आज मैं आपके साथ एक हेल्दी, कलरफुल, फ्लेवरफुल और डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में टी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही फिलिंग होती है, ये आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद आती है। हमने इसमें कोई भी प्याज या लहसुन यूज़ नहीं किया है और हमने इसमें बहुत सारी हरी वेजिटेबल्स हम डालने वाले हैं। इसको कहते हैं लेयर्ड हांडवो केक और लेयर्ड नमकीन केक। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है टमी वर्ल्ड में। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारे पास 3 बाउल हैं। हमने 1 बाउल में आधा कप सूजी, 1 बाउल में आधा कप ओट्स का आटा और 2 बड़े चम्मच सूजी और 1 बाउल में आधा कप बेसन और 2 बड़े चम्मच सूजी लिए हैं। अगर आपके पास ओट्स का आटा नहीं है तो आप उसमें सूजी ही यूज़ कर सकते हैं। और सब्जियों में हमारे पास आधा कप घिसी हुई लौकी है, आधा कप हमारे पास पत्ता गोभी है, आधा कप हमारे पास कटी हुई शिमला मिर्च है और 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस की मटर या पालक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। 3 चम्मच हमारे पास भुने हुए मूँगफली के दाने हैं और 6 बड़ी चम्मच हमारे पास दही है और आधा कप हमारे पास ये पालक की प्यूरी है। तो चलिए बनाते हैं हमारी लेयर्स। फर्स्ट हमने ओट्स वाला जो आटा है उसमें हमने पालक की प्यूरी और 2 चम्मच दही हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बेसन वाले में हमने 2 चम्मच दही, 2 चम्मच पानी और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी अच्छे से मिक्स कर ली है। और इसी तरीके से हम अपने सूजी का बैटर तैयार कर लेंगे, वाइट वाला। इसमें 2 चम्मच हमने दही, 2 चम्मच हमने पानी और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें हम सब में करीब 1/4 से 1/2 छोटी चम्मच तक हम इसमें थोड़ा नमक मिला देंगे तीनों बैटर में और 1/4 चम्मच हमने लाल मिर्च मिला दी है तीनों बैटर में। और ये हमारे पास जो हमारी सब्जियां थी और मूंगफली थी वो हमने तीनों बैटर तीनों घोलों के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं और इस तरीके से हमारे 3 पार्ट बन गए हैं। तो देख सकते हैं अब हम इन तीनों घोलों को 20 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। जो हमारा बैटर है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे जो बैटर हैं वो उन्होंने 20 मिनट रेस्ट कर लिया है। 20 मिनट के बाद अब हम बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक तवा लिया है, इसको आप हमने 3 चम्मच तेल डाला है। तवा अच्छे से तेल से अच्छे से ग्रीस होना चाहिए। तब तक तेल गर्म हो रहा है तो हमारे पास जो ग्रीन लेयर है हमने उसमें 1/4 चम्मच इनो और 2 चम्मच पानी मिलाकर तैयार कर लिया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच राई का दाना, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच तिल के दाने और 5 से 6 करी के पत्ते ले लेंगे। और जब ये हमारा भुन जाएगा, जब इसमें ये क्रैकल करना टेम्पर स्टार्ट कर देगा तड़कना, तो जो हमारा हरा वाला बैटर है वो हम इसमें पोर कर देंगे और बिल्कुल कम गैस कर देंगे और 5 मिनट तक इसको ढक के रखने देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम अपना जो वाइट वाला बैटर है उसको तैयार करेंगे। उसमें 1/4 चम्मच इनो और 2 चम्मच पानी मिलाकर हमने तैयार कर दिया है और उसके ऊपर हमने वाइट बैटर डाल दिया है। आप यहाँ पे इनो की जगह बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम कवर कर देंगे, ढक के रख देंगे, 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम अपना इसी तरीके से येल्लो वाला बैटर तैयार कर लेंगे। उसमें भी 1/4 चम्मच इनो और 2 चम्मच पानी मिलाकर हमने वाइट वाला बैटर के ऊपर जो येल्लो वाला बैटर है वो पोर कर दिया है और अब हम इसको ढक के कम से कम 20 मिनट तक के लिए इसको हम पकने देंगे। और आपको यहाँ पे गैस हमें कम रखनी है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें, नहीं तो क्या होगा कि केक नीचे से लग जाएगा और अंदर से वो पकेगा नहीं। तो इसलिए आपको बिल्कुल कम गैस पर इसको तैयार करना है। तो बस 20 मिनट हो गए हैं और देखिए साइड से ये निकलने भी लगा है और ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया अगर आप देखेंगे और ऊपर से इसका सारा कच्चापन चला गया है। तो ये है कि हाँ ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको एक प्लेट ऊपर रखेंगे तवे के ऊपर और इसको ऐसे टर्न कर देंगे कि आप बहुत केयरफुली करें क्योंकि तवा भी गर्म है और ये भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब हमने उसी तवे पे अपना 1 चम्मच तेल डाला है, 1/2 छोटी चम्मच राई के दाने, 1/2 छोटी चम्मच तिल के दाने और 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 4 से 5 करी पत्ते और डाल दिए हैं। बस ये थोड़े से रोस्ट हो गए, भुन गए हैं। तो अब हम जो येलो की साइड से है, पीले साइड से है, वो हम अपने हांडवों को इस पर रख देंगे अपने केक को। बस अब हमें इसको ढक के 25 मिनट तक के लिए कम गैस पे कुक करना है और इसके 25 मिनट के बाद आप ये टूथपिक को इंसर्ट करके आप चेक कीजिए कि ये क्लीन आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये आप 4-5 जगह से ज़रूर
क्लीन चेक करें। कई बार क्या होता है कि बीच में से हो जाता है और चार पांच जगह, और कई बार साइड से नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और आप थोड़ा सा स्क्रैप करके देख सकते हैं नीचे से, साइड से, कि वो नीचे से निकला है कि नहीं निकला। और फिर ऐसी प्लेट की हेल्प से आप इसको ट्रांसफ़र कर लें, प्लेट की हेल्प से ही इसे ट्रांसफ़र करें, नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है। अब ये हमारा हैंड वो बिल्कुल तैयार है, ये ऊपर से क्रिस्पी है, नीचे अंदर से फोका है, और हमें इसी तरीके का चाहिए। तो देखिए पीसेस का आप इसे स्लाइसेस काट लीजिए, तो बस हमारा लेयर्ड केक और हांडवो बन चुका है। ये गुजराती रेसिपी होती है, ट्रेडिशनली ये दाल और राइस से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक इंस्टेंट रेसिपी दी है और बहुत सारे ट्विस्ट और ट्रिक टिप के साथ दिए। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, इसमें बहुत कम तेल है और ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फिलिंग है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।